नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। महाराजगंज के फरेंदा कस्बे के धानी ढाला स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने फरेंदा कस्बे के टाउन एरिया में स्थित आनंद क्लिनिक पर SDM दिनेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में छापेमारी की। इस दौरान क्लिनिक संचालक, मेडिकल स्टोर एवं एक्सरे मशीन का लाइसेंस नहीं मिला, वहीं क्लिनिक का रिन्यूअल भी नहीं हुआ है। अवैध रूप से संचालित इस क्लिनिक को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया है। उप जिलाधिकारी दिनेश कुमार मिश्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर MP सोनकर ने कहा कि अवैध रूप से संचालित इस क्लिनिक को सील कर दिया गया है, जांच पड़ताल की जा रही है, बिना कागजात के संचालित इस क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हड्डी का एक भी हॉस्पिटल चल रहा है, उसका रिन्यूअल नहीं है। उनके पास जो अल्ट्रासाउंड सेंटर है उसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। उनका उन्होंने मेडिकल स्टोर इनका चल रहा है, मेडिकल स्टोर का कोई लाइसेंस नहीं है। उसके लिए यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी फरेंदा डॉक्टर SP सोनकर, एडिशनल CEO डॉक्टर राकेश, सभी लोग आए हुए हैं। और चूँकि इनके किसी भी अभिलेख का नवीनीकरण नहीं हुआ है और मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी नहीं है, इसके चलते वैधानिक कार्रवाई के तहत आनंद क्लिनिक को सील करने का रही सर। फरेंदा में ऐसे अवैध देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।